हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्थ और टेस्ट के साथ करना चाहते हैं तो ट्राई करें हमारी स्मूदीज, जो कि बनाने में बड़ी आसान, क्विक और सिंपल है। और इनको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। प्लस आप पोस्ट वर्कआउट यानी कि अपनी एक्सरसाइज के बाद भी कभी भी खा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप वर्कआउट के बाद के लिए बनाएं अपनी स्मूदी तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें और शुगर ना डालें, तो वो बहुत हेल्दी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कीवी स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए कीवी, जिसको कि मैंने काट के और ओवरनाइट यानी कि पूरी रात के लिए काट के छोटे पीसेस में आप इसको फ्रीज़र में जमा दीजिए। ये बहुत अच्छी तरह जम जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एक थिक बहुत अच्छी स्मूदी मिलेगी और आपको आइस नहीं डालना पड़ेगी। आइस डालने से क्या होता है, वो अलग से पानी पानी जैसा टेस्ट आ जाता है और थोड़ी पतली हो जाती, तो हमेशा स्मूदी थिक अच्छी लगती। इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे घी, इसमें दही और शुगर और ये हनी और पुदीने के पत्ते। तो चलिए बनाते हैं इसको। एक ब्लेंडर में मैंने सारी कीवीज़ डाल दी हैं, फ्रोज़न कीवीज, और इसमें 2 चम्मच शुगर और दही डाल दिया एक कटोरी, और इसमें 2 चम्मच हनी डालेंगे और अब डालेंगे पुदीने के पत्ते और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह ब्लेंड हो जाने के बाद हमारी स्मूदी रेडी हो जाएगी। ये स्मूदी तैयार है, अब इसको हम ग्लास में डाल के सर्व करते हैं। कीवी स्मूदी का जो एक थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा टेस्ट है आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ठंडा ठंडा खाएं या पिए, ये आपकी मर्ज़ी है, इंजॉय करिए। बेरी स्मूदी बनाने के लिए हमको चाहिए बेरीज, जिनको आप वॉश करके और जमा दें। इसको रात भर जमाने के बाद इसके फिर सीड्स निकाल लीजिए। देखिए इसमें ऐसा हुआ कि अगर अभी आप सीड निकालेंगे तो इसके साथ साथ इसका जूस भी वेस्ट होगा, तो आप पहले इसको जमा लें अच्छी तरह से फिर इसके सीड निकालें, वो आसानी हो जाती, या फिर आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बेरीज जमी हुई रात भर के लिए। जितना भी आपको बनाना है उसके हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी लिया हुआ है और फिर हम लेंगे एक मीडियम साइज़ फ्रोज़न बनाना, इसी को केले को भी काट के और आप रात भर के लिए जमा दीजिए। और उसके साथ साथ ठंडा दूध 1/2 कप, ठीक है, ठंडा दूध लेंगे। और सारी चीज़ें हमने ठंडी ली हुई हैं, इसमें हम आइस बिल्कुल नहीं डालेंगे। शुगर डालेंगे। अगर आपको इसका हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप शहद ना भी डालें कुछ, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक ब्लेंडर में अपनी जमी हुई बेरीज डाल देंगे, फिर उसमें 1/2 केला डालेंगे। केला डोमिनेट कर जाता है तो इतना पूरा नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर और इसमें ठंडा दूध और इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई भी गुल्ठियाँ नहीं रहना चाहिए। ये देखिए तैयार हो गई, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको ठंडा ही सर्व करिए और मेल्ट होने से पहले इसको खाइए, बड़ा टेस्टी और बिल्कुल आइसक्रीम जैसा टेस्ट देगा। बच्चों को और सबको बहुत पसंद आएगा, आपके गेस्ट को पसंद आएगा, तो इसको ट्राई ज़रूर करें। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए हमको चाहिए जमे हुए आम। इसमें भी आप वही करिए, इसको छील के काट के छोटे पीसेस में और इसको रात भर के लिए फ्रीज कर लीजिए, जमा दीजिए अच्छी तरह से। इनको अच्छी तरह जमा होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि आपको गर्मियों के सीज़न में अपने फ्रिज में जमा के ही फल रखना चाहिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए तो आप जल्दी से बना सकते हैं, तो आपके पास हमेशा रेडी रहेंगे फ्रूट्स स्मूदी बनाने के लिए। और उसके साथ साथ हमें चाहिए इसमें शुगर और सम ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पसंद के हों। तो इसमें मैंने किशमिश ली है और बादाम लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और यहाँ पे लिया है मैंने फ्रूट जूस, जो कि मैंने निकाला हुआ था कुछ फ्रूट्स मिला के, जिसमें एप्पल ऑरेंज तो निकाल लीजिए, या फिर आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें आम डाल दीजिए, 2 चम्मच शुगर डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, और उसमें डालेंगे हम 1/2 ग्लास मिक्स जूस और इसको मिला के सबको ब्लेंड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह क्रीम की तरह ब्लेंड करिए और ये रेडी। ये देखिए बढ़िया थिक स्मूद स्मूदी रेडी है। इसको इंस्टेंट सर्व करिएगा, क्योंकि ये एकदम जमी हुई बिल्कुल अच्छी ठंडी और बहुत ही यमी स्मूदी रेडी है, और इसको मेल्ट होने से पहले ही इसको इंजॉय करिए। तो देखिए हमारे 3 तरह की स्मूदी रेडी है, और ये आप न सिर्फ आपको बढ़िया ताज़गी देगी बल्कि आप इसको एज ए मील भी खा सकते हैं। ये बहुत ही पेट भरने वाली चीज़ होती है। 1 ग्लास अगर आपने खा लिया तो काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, और बच्चों के लिए तो है ये बहुत अच्छी चीज़। आपने ब्लेंड करके इतने सारे फ्रूट्स पिला दिए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या खाया।
और आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा कमेंट करके। और अगर आप ऐसी इजी और बहुत ही क्विक और न्यूट्रिशियस रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें समित्स किचन को, और अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करिएगा समित्स किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।